सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमसुख कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोग के सामने नए नए वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक वैकेंसी जो कि दुबई के लिए है। नए साल का पहला दिन और पहली एक नई वैकेंसी जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी लाया हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी का। जो लोग भी जाना चाहें इस कंपनी में जा सकते हैं बिना किसी इंक्वायरी के, क्योंकि ये कंपनी ही ऐसी है। जो कंपनी है वो है वाइट स्पॉट कंपनी जो कि दुबई की है। इसका इंटरव्यू हमारे 10 जनवरी को होगा, इसी महीने की, यानी नया साल नया काम 10 जनवरी इसी साल नया साल यानी 2023 के 10 जनवरी को इंटरव्यू होगा। जो कैटेगरियाँ हैं बता दूं आपको बिना देरी के हुए, हर एक कैटेगरी है इसमें, जो बंदा चाहे उस कैटेगरी में जा सकता है। उसके लिए पहला है इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1500 प्लस 300। देखिए सैलरी भी दुबई में अच्छी मिलती है। जो लोग बोलते हैं भाई फ्रेशर को सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, तो बता दूं ये वैकेंसी उनके लिए मुँह तोड़ जवाब है। जो लोग बोलते हैं कि भाई दुबई में अच्छी सैलरी नहीं मिलती है फ्रेशर्स के लिए, तो सैलरी अच्छी वाली आ चुकी है वैकेंसी, आप लोगों को जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, बता दूं आपको इलेक्ट्रीशियन है 1500 प्लस 300 सैलरी होगी उनकी। प्लम्बर चाहिए सैलरी होगी 1500 प्लस 300। पेंटर चाहिए सैलरी होगी 1500 प्लस 300। एसी टेक्नीशियन चाहिए सैलरी होगी 1700 प्लस 300। मल्टी टेक यानी कि मल्टी टेक्नीशियन चाहिए जो कि जिसमें कि उनको आना चाहिए काम एसी का, प्लम्बर का और इलेक्ट्रीशियन का। मल्टी टेक्नीशियन का मतलब इनको तीन कैटेगरी वाले आदमी चाहिए जिनको इसमें, जिसको एक ही आदमी को तीन काम आना चाहिए एसी का, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का। सैलरी इनको 1900 प्लस 300 दिया जाएगा। ठीक है, हैंडीमैन चाहिए सैलरी होगी 2200 प्लस 300। एमईपी सुपरवाइजर चाहिए सैलरी होगी 3700 प्लस 300। मेल क्लीनर चाहिए यानी कि मेल क्लीनर चाहिए सैलरी होगी 1030। इनको फूड किलर से नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। आपको 300 फूड के लिए हर वैकेंसी में दिया जा रहा है, लेकिन क्लीनर में आपको फूड के लिए अलग से कोई चार्जेस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, यानी सॉरी चार्जेस यानी आपको कोई भी अलग से पैसे नहीं दिए जाएंगे फूड के लिए क्लीनर में। याद रखिएगा वीज़ा आपका एम्प्लॉयमेंट है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दुबई ऊपर से विजिट वीज़ा नहीं है, ये ओनली ऑन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। सैल जो कि इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ECR पासपोर्ट हो या फिर ECNR दोनों एक्सेप्टेबल है। यानी आपका पासपोर्ट अगर 8 पास के मार्कशीट पे बना है तब भी चलेगा, हाई स्कूल के मार्कशीट पे बना है तब भी आपको चलेगा। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि भाई हमारे यहाँ ओनली ECNR पासपोर्ट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पासपोर्ट ECR हो या फिर ECNR दोनों इसमें चलेगा। और ड्यूटी आपकी 10 घंटे की रहेगी, 9 घंटे बेसिक ड्यूटी प्लस 1 घंटा लंच ब्रेक प्लस आपका ओवरटाइम। ठीक है, ओवरटाइम भी 1 घंटे 2 घंटे मिलता रहेगा रोज़। आपकी ड्यूटी यानी कि टोटल 10 घंटे रहेगी इंक्लूडिंग लंच ब्रेक के साथ, यानी कि बेसिक ड्यूटी आपकी 9 घंटे की रहेगी प्लस 1 घंटा लंच ब्रेक, टोटल 10 घंटे प्लस आपका ओवरटाइम। एज जो है 22 साल से लेकर 38 साल तक चाहिए। बहुत ही लोग बोलते हैं भाई दुबई है तो दुबई में एज जो है आपका 19 साल से स्टार्ट हो जाता है, 20 साल से भी चालू हो जाता है। तो बता दूं भाई हर कंपनी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अच्छी बात है, बेसिक है ये कि जो कि दुबई में एक्सेप्टेबल जो सैलरी है, जो एज है, मतलब एक्सेप्टेड करने की एज जो है स्टार्टिंग 20 साल 19 साल से है। लेकिन बता दूं कि हर एक कंपनी ये एज पे मायने नहीं लेती, मतलब ये हर ये एज पे एग्री नहीं होती है। हर कंपनी के अपने अपने कायदे एंड रूल्स हैं। तो कंपनी जो है इनको स्टार्टिंग एज 22 साल चाहिए, ठीक है, और लास्ट 38-40 तक चलेगा। अकोमोडेशन प्लस मेडिकल, ये सभी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। रहना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, मेडिकल वगैरह भी। तो आप लोगों को करना ये है कि मुझे कॉल करना है, टुडे संडे है 1 तारीख को, तो नो कॉल नो फोन रिसीव। ठीक है, सिर्फ आपको मंडे से कॉल करना है, यानी कि 2 तारीख से आप कॉल कीजिए। कॉल करके आपका नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर और आपका ट्रेड, ये सभी चीज़ें नोट करा दीजिए, क्योंकि जिसकी एंट्री रहती है उसी का इंटरव्यू पहले होता है। उनको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगा जो हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है इंटरव्यू देने में, कितने लोग तो इंटरव्यू भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही आपको कॉल करना है, और संडे को कॉल नहीं करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
संडे को कॉल आप लोग मत किया कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।